हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में चित्रकला विषय का वायरल मॉडल पेपर। 2025 बोर्ड परीक्षा में सेम इसी तरह का पेपर आएगा और इसी मॉडल पेपर से, इसी वायरल मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% प्रश्न आने हैं। ये आप बिल्कुल 100% की गारंटी मुझसे ले सकते हो। 70 में 70 का स्कोर आप कर सकते हैं जो आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा प्रत्येक विषय के पेपर में। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहां पर नोट के अंतर्गत आप लोग ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। निर्देश यहाँ पर आप लोग जरूर पढ़ लेना। जैसे कि पहला है निर्देश, अपना अनुक्रमांक ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखना होगा तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगला निर्देश है, प्रश्न पत्र खंड का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त रहेगा। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। खंड का के अंतर्गत आप लोग ध्यान दें, इस खंड में आलेखन कला तथा प्रावैधिक कला, यानी आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को उत्तर देना होगा। चाहे आप आलेखन कला के 20 प्रश्नों का आंसर सॉल्व करें या आप प्रावैधिक कला के 20 प्रश्नों का आंसर करें। तो यहाँ पर आगे देखेंगे आप, निर्देश है, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, ये है OMR शीट का नमूना जो आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में मिलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है चित्रकला विषय हेतु। यदि आप आलेखन कला के 20 प्रश्नों का आंसर यहाँ पर क्रमशः भरने वाले हैं तो आप यहाँ पर आलेखन भाग के ठीक सामने इस गोले को काला कर देंगे और सीधा नीचे जब आप बढ़ेंगे ठीक नीचे, तो यहाँ पर भी लिखा है चित्रकला विषय हेतु सही का चिन्ह बनाएं। आलेखन भाग के लिए यहाँ पर आप सही का चिन्ह बनाएंगे, या आप प्रावैधिक भाग वाले प्रश्नों को कर रहे हैं जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे 20, तो आप इसको जो है प्रावैधिक भाग के ठीक सामने वाले गोले को काला करेंगे और यहाँ पर नीचे भी आप प्रावैधिक भाग के ठीक सामने सही का चिन्ह बनाएंगे। वैसे आप आलेखन कला के 20 प्रश्नों को करेंगे तो बहुत ही इजी प्रश्न आते हैं और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं आलेखन कला से। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ आलेखन कला के सबसे वायरल प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना जो इस मॉडल पेपर में है। चलिए, निर्देश है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर को चुनिए। तो पहला प्रश्न जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कला शब्द किस भाषा का है? कला शब्द किस भाषा का है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, कला शब्द संस्कृत भाषा का है। दूसरा है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफेद रंग का विरोधी रंग होता है कौन सा रंग? काला रंग होता है। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आ वाला सही होगा। OMR शीट में ऑप्शन ए बी
सी और डी इस तरह से लिखे रहेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले प्रश्न के आगे ए बी सी और डी और दूसरे प्रश्न के आगे ए बी सी और डी लिखा है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 से 20 तक के सभी के आगे ऑप्शन ए बी सी डी लिखा है। जो भी ऑप्शन सही होगा आपको वही गोला काला करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर सफेद रंग का विरोधी रंग होता है काला रंग, और काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? सफेद रंग होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है प्रश्न इस तरह से आ जाए कि काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो उत्तर होगा सफेद रंग। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में मेरे प्यारे बच्चों रंग होते हैं 8। यहाँ पर दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा जो दिए गए विकल्प हैं। प्रश्न अगला है, सूर्य की राशियों में कितने रंग पाए जाते हैं? यहाँ पर रश्मियों होगा, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य की रश्मियों में यहाँ पर दा वाला ऑप्शन सही होगा, 7 रंग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस नंबर की पेल्सन से खींची गई रेखा गहरी होती है? तो दिए गए विकल्पों में से किस रंग की पेल्सन से यदि हम रेखा खींचे तो वह गहरी होगी, यानी अधिक काली होती है। इस तरह का भी प्रश्न आता है, अधिक काली होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, HB पेल्सन से खींची गई रेखा अधिक काली या गहरी होती है। यहाँ पर बी वाला यानी बा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा रंग गर्म प्रकृति का होता है? यहां पर राइट आंसर होगा, लाल रंग कैसा रंग है? गर्म होता है। अगला प्रश्न है, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा या कैसा प्रभाव डालता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, नीला रंग हमारे नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। यहाँ पर पहला ही विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? दिए गए विकल्पों में से सबसे अधिक पारदर्शी रंग किसे माना जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, जो वाटर कलर होता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो वाटर कलर होता है ये सबसे अधिक पारदर्शी माना जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यहाँ पर प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला और पीला, ये क्या हैं? प्राथमिक अथवा मुख्य रंग माने जाते हैं। इनको बनाने के लिए किसी अन्य तरह के रंग के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें प्राथमिक अथवा मुख्य रंग माना जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग होते हैं, यहाँ पर सा वाला ऑप्शन सही होगा, 3 होते हैं। प्रश्न अगला है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो ये मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए छत का केंद्र है ये, अब इसको अलंकृत करना है यानी सजवाना है, तो इसके लिए हमें कौन सा आलेखन बनवाना चाहिए? केंद्रीय आलेखन या कोने का आलेखन, कोने में आलेखन बना दें, या किनारी का आलेखन, किनारे किनारे आलेखन बना दें, या इनमें से कोई नहीं। छत के केंद्र को यानी छत के बीचों बीच को अलंकृत करना है, सजाना है, तो इसके लिए हमें केंद्रीय आलेखन को बनवाना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर होगा आ वाला विकल्प। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से आलेखन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आपने बचपन में कविताओं में पढ़ा होगा, इंद्रधनुष होता है कितने रंगों का? 7 रंगों का। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? यहाँ पर बा वाला ऑप्शन सही होगा, 7 रंग होते हैं।
अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार जरूर शेयर कर देना आप लोग इस वीडियो को और इन सभी प्रश्नों को रट लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आना बिल्कुल निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चों, हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो जब हम नीला और पीला रंग आपस में मिलाते हैं तो हमें एक रंग प्राप्त होता है जिसे हरा रंग कहते हैं। तो हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? हरा रंग नीला और पीले रंग के मिश्रण से बनता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर होगा द वाला ऑप्शन, नीला रंग। प्रश्न अगला है, किस नंबर की पिल्सन हल्की रेखाएं खींचती है? तो दिए गए विकल्पों में से किस नंबर की पिल्सन जो है हल्की रेखाएं खींचती है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक मिसप्रिंट विकल्प है, यहाँ पर होना चाहिए था 2H और यही सही है विकल्प। 2H नंबर की पिल्सन जो होती है यह हल्की रेखाएं खींचती है, हल्की रेखाएं खींचती है, और HB नंबर की पिल्सन जो होती है यह अधिक गहरी रेखाएं खींचती है। दोनों प्रश्न क्लियर हो गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो यहाँ पर द वाला ऑप्शन सही होगा, काला। और काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सफेद। अगला प्रश्न बिल्कुल इजी प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प मेरे प्यारे बच्चों बा वाला ऑप्शन सही होगा, कमल है। प्रश्न अगला है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो बिना ब्रश की सहायता से मेरे प्यारे बच्चों तैल रंग लगाया जाता है, यहाँ पर बा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ण का अर्थ क्या है? तो वर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण का अर्थ होता है रंग, यहाँ पर वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग होता है। अब आप देख लो यहाँ पर प्राविधिक कला के भी 20 प्रश्न आए हुए हैं, तो यदि आपने आलेखन कला के 20 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है OMR सीट में, तो आपको प्राविधिक कला के 20 प्रश्नों को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरह के प्रश्न आएंगे प्राविधिक कला के भी, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसी तरह के आएंगे प्रश्न। चलिए आगे आप लोग यहाँ पर ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, अगला खंड यहाँ पर खंड खा है और यहाँ पर निर्देश है, खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण से संबंधित प्रश्न इस तरह के आएंगे, जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पर है, 25x20 सेंटीमीटर के आयत में पहाड़ी सूर्यास्त का दृश्य जिसमें झोपड़ी और वृक्ष हों को चित्रित कीजिए। चित्रण में जल रंगों या पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। चित्रांकन में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी विशेष ध्यान देना है, जैसे सही रेखांकन तथा परिपेक्ष के लिए 10 अंक निर्धारित हैं, संयोजन के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, सुसंगत रंगों का चयन करने के लिए 10 अंक निर्धारित हैं और सामान्य प्रभाव के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। अथवा आलेखन कला के भी प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लो, 18 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में छत के लिए उपयुक्त एक सुंदर एवं मौलिक आलेखन की रचना कीजिए। वृत्त को सुंदर भागों में विभाजित कीजिए। आलेखन किसी भी भारतीय पुष्प पत्तियों एवं कलियों पर आधारित होना चाहिए। आलेखन में 3 जल रंगों का प्रयोग करें। ट्रेसिंग करना मना है। आलेखन बनाते समय निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। पहला बिंदु इकाई की मौलिकता, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। लयात्मक रेखांकन के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। उत्तम रंग संगत के लिए 10 अंक निर्धारित हैं और सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। अथवा आप प्राविधिक कला के प्रश्न इस तरह से देख सकते हैं, इसी तरह के पूछे जाएंगे। बारी आती है खंड खा, जिसमें स्मृत चित्रण से संबंधित प्रश्न आएंगे, जिनको करना अनिवार्य होगा। इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है।
खंड का के अंतर्गत प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेल्सिन के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तरबूज का चित्र गिलास, सुराही या केतली में से किसी एक का चित्र बनाना है। आप लोग इनका अभ्यास कर लीजिएगा और चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान देना है, जैसे रेखा सैष्ठव पर जिसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं, आकृति की अनुरूपता के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। दूसरा यहाँ पर खा वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेल्सिन के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। बैट बाल, आम दो पत्तियों सहित, टमाटर या मटका में से किसी एक का चित्र बनाना है और चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान देना है, जैसे रेखा सैष्ठव पर जिसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं, आकृति की अनुरूपता जिसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह का आएगा पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में, चित्रकला का पेपर। ये वायरल पेपर है, आप लोग जरूर तैयार कर लें इस वायरल मॉडल पेपर को। 100% मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।